रैली के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार सूबे के पारंपरिक त्योहार पोला तीजा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम निवास पर पोला पर्व मनाया। आपको बता दें इसके लिए मुख्यमंत्री निवास में विशेष इंतजाम भी किए गए। छत्तीसगढ़ की परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार सीएम हाउस में साज सज्जा की गई। सूबे के पारंपरिक व्यंजन तैयार किए गए। नंदी बैलों को भी सजाया गया। सुबह से आसपास के लोगों में पोला मनाने के लिए सीएम हाउस से जुटने की यहां पर भीड़ देखने को मिली। इस दौरान स्थानीय कलाकारों में बेहद मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें शामिल हुए हैं। पूरे परिवार के साथ उन्होंने जो इस त्योहार का प्रतीक है उनके यहाँ पर पूजा की है। हमारे साथ भूपेश बघेल जी हैं। बड़ा त्योहार आपने मनाया है। बड़ा त्योहार जिसमें बैलों की पूजा की जाती है, सजाया जाता है, दौड़ाया जाता है और जो मिट्टी से जो कुम्हार लोग बनाते हैं जिसमें नंदी भी बनाते हैं, चुकिया भी बनाते हैं, पोला भी बनाते हैं, जाता बनाते हैं, सबकी पूजा की जाती है और बैलों को सजाया भी जाता है, उसे दौड़ भी कराया जाता है, बैलगाड़ी भी दौड़ होता है। संस्कृति की झलक देखिए साफ तौर पर। छत्तीसगढ़ की अपनी पहचान है, संस्कृति है और इसी कारण से इसे तीजा जो तुरंत बाद तीजा आएगा और उसमें हमारे सभी माताएं बहनें बेटियां सब अपने अपने मायके जाती हैं। अष्टरु भात का भी आयोजन किया गया है। इस प्रकार से हरेली को व्यापक तौर पर मनाया गया और अब पोला और तीजा जो छत्तीसगढ़ परंपराओं का प्रतीक है उसे जोर शोर से मुख्यमंत्री निवास में मनाया जा रहा है। कैमरामैन श्याम के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में माननीय भूपेश बघेल जी के सरकार आए के बाद पहला दफा ऐसा लगा थे लोग मल्ला की छत्तीसगढ़ में हमारे सरकार आ गए है और छत्तीसगढ़ के जितना तीज त्योहार है वाला उमंग और उत्साह के साथ लोग मनावत हैं। हमार मन के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़िया है, यहाँ के हर त्योहार ला हर उत्सव ला उमंग और उत्साह के साथ बढ़ा चढ़ा के लोग मन उमें भाग ले आते हैं। मुख्यमंत्री